नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीशर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि पंचिंग बैग के ऊपर। मैंने देखा कि इस लॉकडाउन में मैं जिम नहीं जा पा रहा तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था और पंचिंग बैग मेरी स्टार्टिंग से एक फेवरेट चीज़ रही है जिम में, तो मैंने उसे ऑर्डर किया ऑनलाइन और मैं उससे बताऊँगा कि आपको कि उसका क्या रिव्यू है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये रहा पंचिंग बैग जो कि अयोरा कंपनी की तरफ से आता है और इसके ऊपर लिखा गया है नेवर गिव अप, जिंदगी में कभी हार ना माने, और ये ब्रांड 1966 का है। तो जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने इसमें पच किए, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे इस लॉकडाउन में तो आप इसको अपने घर पे ऑर्डर कर सकते और अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 4 फीट है। इस बैग के साथ ये एक केबल आती है जिसके साथ आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं अपने छत के साथ, और ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है इस बैग को हैंग करने के लिए अगर आप इसको पूरा भी फिल कर दें। मैंने इसे पूरा नहीं फिल किया ऊपर तक क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेंथवाइज देखा जाए तो ये काफ़ी लॉन्ग है, ये 4 फीट इसकी लेंथ है और ये काफ़ी ठीक, हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी। बैंड आते हैं जिसको आप अपने हैंड के अराउंड पूरा रैप कर सकते हैं, जिसके साथ आप इसको पंच करेंगे तो आपको दोस्तों ऐसे आप इसको अपने हैंड के अराउंड इसको टाई कर सकते हैं। उसके बाद आप, मैंने फिलहाल एक ही हाथ में, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो मैंने आप इस तरीके, ये है इसका, जिससे मर्जी आप इसको अपने हैंड के अराउंड टाई करके उसके बाद, और जो बिगनर्स है वो इस बैंड का यूज जरूर करें, बिकॉज जो बिगनर्स होते हैं उनको इंजरीज के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके जो हैंड्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं हो रखे होते, जो करते रहते हैं बॉक्सिंग उनके हाथों हैंड हार्ड हो गए, वो नहीं करेंगे तो भी चलता है। तो गाइस, ये रहा पंचिंग बैग, ये कहता हूँ मैं बहुत अच्छी डील है इस प्राइस रेंज में, 700 समथिंग के अराउंड मैंने ऑर्डर किया था। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं जो उसका लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने टेबल लगा के रखे हैं। टेबल लगाने का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से जो ये इसके स्टिचेज है काफ़ी लूज होने शुरू हो गए थे, मैंने इसमें सैंड भरी हुई है और यहाँ पे जो इसके पोर्स है काफ़ी खुल चुके हैं, जो सैंड यहाँ से बाहर आ रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल लगाई और टेप से काम चल रहा है फिलहाल। इसे फिल करना चाहते हैं तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको नीचे सबसे कॉटन डालनी पड़ेगी, कोई भी ख़राब डैमेज कॉटन हो आपके घर पर आप उसके साथ इसकी लेयर वाइज लेयर बनाएं, जैसे नीचे आप कॉटन डालें, फिर एक 1 या 2 kg का सैंड ले और उसको पॉलीबैग में डालें और बीच में डालें, फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं जो कि साइड्स हैं उसमें भी कॉटन लगाएं कि जब आप पंच करें हर्ट ना करें, क्योंकि ये सैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हार्ड है, इसलिए आपको काफ़ी पेन होगी जब आप इस पर पंच करेंगे। तो अगर आपने साइड्स में कॉटन डाली होगी तो आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस फील होगी, तो वैसे आप साइड में भी कॉटन डालें और ऐसे ही कॉटन डालें, सैंड डालें और अपने वेस्ट कपड़े डालें, उससे आप इसको पूरा फिल करें, फिर ये बहुत अच्छा चलेगा। मैं आशा करता हूँ गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इन दिनों कुछ फिटनेस के लिए कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जो घर पे रह के वो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाए, तो इसलिए मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अलविदा, आशीष शर्मा साइनिंग ऑफ।